नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डीएन मिश्रा और हम हैं इस समय बगलुंग में। बगलुंग एक डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का और यहां से हम लोग प्युठान की तरफ जाएंगे जहां पे स्वर्ग द्वारी में हम लोग दर्शन करेंगे शिव के। यहां से निकलते हैं, जब तक हम तैयार होते हैं तब तक आप बाहर का व्यू देखिए। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. क्या नाम है? मंजीरा ढाबा। कौन सी जगह है? काठी खोला। काठी खोला बगलुंग है ना? बगलुंग But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. तो हम अपने होटल से आगे बढ़ रहे हैं प्युठान की तरफ और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मुकेश भाई आगे निकल चुके हैं और हमारा फ्यूल लगभग ख़त्म होने वाला है। आगे 2-3 किलोमीटर बाद पता चला है कि फ्यूल मिलेगा। पहाड़ों में जितना चढ़ते हैं उतने ज़्यादा ऑयल लगता है और जितना उतरते हैं उतना ही कम लगता है। तो अभी चढ़ाई चालू है। यहाँ पे रोड के किनारे ऑरेंज बिक रहे थे, कह रहे ताजे ऑरेंज हैं, कहीं यहीं से तोड़ के लाए हैं, तो हमने ले लिया है थोड़ा। लाओ देखते हैं यार, नेपाल का खाना सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पे एकदम ऑर्गेनिक खाना मिलता है जिसमें तेल नहीं होता है, ज़्यादा नमक नहीं होता है। मतलब आप पूरे महीने खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त, बीमार पड़ने की संभावना जीरो। आप होटल का खाओ, कहीं का खाओ, घर का, होम स्टे का खाओ, सब एक जैसे है खाने। बहुत स्वादिष्ट खाना है, ऐसा खाना मुझे बहुत पसंद है। नाश्ते में आलू खाया, मज़ा आ गया। आलू चाय और अभी थोड़ा सा ऑरेंज ले लिए हैं, तो रास्ते में चलते चलते ऐसे काम आते रहेंगे। बाकी ये 2-3 बजे तक देखते हैं कहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्या आगे का प्रोग्राम है। अभी तो ये जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। ये देखो ऑरेंज लगे हैं, इस पहाड़ पे बहुत ऑरेंज है, ऑरेंज के पेड़ बहुत ही हैं। पिछले 2 घंटे से बाइक चला रहे हैं इन पहाड़ों में और रास्ते कहीं अच्छे कहीं गड्ढे वाले मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और अभी हम लोग जो है 157 किलोमीटर दूर है प्युठान से। इन रास्तों में सारी उछल कूद हो जाती है। स्वागतम गलकोट नगर पालिका। पता नहीं हिंदी में लिखा रहता है कि नेपाली में लिखा रहता है, हम लोग हिंदी समझ के पढ़ लेते हैं। रानी खेत की फीलिंग बिल्कुल दे रहा है। बहुत सुंदर जगह है। ओहो, रास्ते भी सुंदर हैं। घाटी में बसा हुआ है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your
blue eyes fade to gray as you fade away. अयोध्या से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है हिल स्टेशन। मज़ा आ गया यहाँ पे गाड़ी चलाने में। हरे हरे पहाड़ हैं चारों तरफ और ये हिल स्टेशन था, बहुत मस्त था। ओहो, देख लो भैया नेशनल हाईवे, देखो कितनी गहरी खाई है। ए सूरज देवता, सामने से मत आइयो, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। एक हाथी का बच्चा और आ रहा है, इसको जाने देते हैं। हाथी का बच्चा आया और धूल उड़ा के चला गया। इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर्स को हमारी यही सलाह है कि जब भी कभी इन रास्तों पे आए तो फुल टैंक करके आए, क्योंकि अगर आप जंगलों में भटक गए तो कहीं फ्यूल पंप मिलने वाला नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई रहता है। ओहो, चीड़ देवदार जंगलों के बीच में, हाहा क्या व्यू है यार। यहाँ पे झरने भी बहुत गिर रहे हैं। ओ वाटर क्रॉसिंग, इंडियन करेंसी नॉट एक्सेप्टेड। 181 रुपए लीटर है, 181 रुपए 40 पैसे। ऐसी नहीं चलेगी। ये हमारी सब्जी बन रही है और रोटी इसमें जो है हेलमेट में रखी हुई है बन के, पेपर में लपेट के। इधर दिखाते हैं। रात के 8:30 बजे हैं और टोटल 110 किलोमीटर आज हम राइड किए हैं और हम लोग पूरी तरीके से थके हैं, बस सब्जी का इंतज़ार कर रहे हैं और सब्जी अब देख रहे हैं, सब्जी बन रही है। इसी के साथ हम आपसे भी लेते हैं विदा, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद। वीडियो खत्म। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.